दोस्तों ट्यू बोले तो आप सभी ने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर रखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ट्यू बोले किसी के मोबाइल नंबर के जरिए उसका नाम कैसे बता देता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम ईशान चौधरी, आप देख रहे हैं ईशान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ट्यू बोले तो आप सभी काम में लेते ही है। अगर बात करें ट्यू बोले किसी दूसरे का नाम कैसे बता देता है उसके मोबाइल नंबर डालने पर, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जैसे कि आपके पास ट्रू कॉलर लग रहा है, आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर रखा है, तो आपके फोन में जितने भी कॉन्टेंट है, जितने भी कॉन्टेक्ट है, उन सभी को ट्रू कॉलर ने अपने डिक्शनरी में सेव कर लिया, यानी अपनी वेबसाइट पर सेव कर दिया है। अगर अगली बार आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी नंबर, उन नंबर से अगर कोई दूसरा इंसान उन नंबर को सर्च करता है तो वो आपके नंबर उस वेबसाइट पर जा चुके हैं, यानी ट्रू कॉलर की वेबसाइट पर जा चुके हैं, तो वो वहां से उन नंबर को मैच करेगा, बता देगा आपने उस नंबर को किस नेम से सेव किया है, तो वो सामने वाले को वो नेम दिखा देगा। और अगर बात करें कि एक ही नंबर जिसे कई सारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया और सभी स्मार्टफोन में ट्यू कॉलर अवेलेबल है, तो सभी की इन्फॉर्मेशन वहां पर चली जाती है और नए नाम है जो आप सभी ने रखा है वो नाम कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे का नाम ये है जिसका ये मोबाइल नंबर है। तो अगली बार जब कोई इंसान उसे सर्च करता है उस नंबर को, तो उसका नाम आ जाता है। और ये ट्यू कॉलर पूरी दुनिया में अवेलेबल है, इसलिए आपको इसके अंदर पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री के अगर आप नंबर देखते हैं तो आपको उसका नाम दिखाई देता है, चाहे आपके पास स्मार्टफोन ना हो, यानी कि आपके पास सिर्फ एक सिंपल मोबाइल हो, उसका भी नंबर दिखाया जा सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो जो नंबर है वो किसी ऐसे इंसान के पास होगा जिसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास ट्यू कॉलर भी है। अगर उस स्मार्टफोन में ट्यू कॉलर है और जो दूसरा स्मार्टफोन है जिसमें सिर्फ एक सिंपल फोन है उसका मोबाइल नंबर उस स्मार्टफोन में है, तो वो अगर आपने उस नाम को उस नंबर को नाम से सेव किया है तो वो इन्फॉर्मेशन ट्यू कॉलर में चली जाती है, यानी कि जो फीचर फोन है उनके अंदर सिम लगी हुई सिम के भी डिटेल ट्यू कॉलर में अवेलेबल है। ये होता है ट्यू कॉलर काम करने का तरीका, यानी कि आपके फोन में ट्यू कॉलर इंस्टॉल हुआ, उसे सभी कॉन्टेक्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिस नाम से आपने सेव किया था उसी नाम से अपलोड कर दिया। अगर अगली बार कोई दूसरा नेम को सर्च करता है या भी उन नंबर को सर्च करता है तो वो वहां पर दिखा देता है, मगर ट्यू कॉलर में नंबर हाइड करने का ऑप्शन है, यानी अगर आप उस नंबर के ओनर हैं तो आप अपने नेम को बदल सकते हैं, साथ ही साथ आप उसे हाइड भी कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा उस नंबर को ना देख पाए। ये ट्यू कॉलर, मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका होगा ट्यू कॉलर क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल लाइक करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।